हदीस नबी का मफहूम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्शाद फरमाते हैं कि अपने आप को गीबत से बचाओ, ये जना से भी बदतर है। पूछा गया ये कैसे जना से बदतर है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्शाद फरमाया कि आदमी जना करके तौबा कर लेता है तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल फरमाता है, मगर गीबत करने वाले को जब तक वो शख्स जिसकी गीबत की गई हो माफ़ ना करे तौबा कबूल नहीं होती। लिहाजा हर गीबत करने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो अल्लाह ताला के हजूर शर्मिंदा होकर तौबा तायब करे, ताकि अल्लाह के करम से फैजयाब होकर फिर उस शख्स से माजरत करे जिसकी उसने गीबत की हो, ताकि वो गीबत के अंधेरों और गुनाहों से रिहाई हासिल कर सके। फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो शख्स अपने मुसलमान भाई की गीबत करता है अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसका मुंह दुबर की तरफ फेर देगा। इस तरह हर गीबत करने वाले पर लाजिम है कि वो इस मजलिस से उठने से पहले अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, और जिस शख्स की गीबत की है उस तक बात पहुँचने से कबल ही रुजू कर ले, क्योंकि गीबत के वहाँ पहुँचने से पहले जिसकी गीबत की गई हो अगर तौबा कर ली जाए तो तौबा कबूल हो जाती है, मगर जब बात उस शख्स तक पहुँच जाए तो जब तक वो खुद माफ़ ना करे तौबा कबूल नहीं होती।